Alright दोस्तों, इस साल का ROG Phone 8 Pro हमारे पास आ गया है और एक बात कहूँ, मिक्स्ड फीलिंग्स है। कुछ कुछ चीजें इतनी अलग हो गई कि जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। कुछ कुछ चीजें ऐसी है कि मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं है इसमें। देयर आर सर्टन थिंग्स, बट एक बात कहूँ दोस्तों, इट हैज चेंज्ड इट्स आइडेंटिटी। जब आप फोन देखोगे आपको पता चलेगा कि अरे ये है ROG Phone। जी हाँ, ऐसे आप कहोगे। इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन करने वाले हैं। हमारे पास 8 प्रो है, 8 बी आता है। ये जो है ये 8 प्रो का रिटेल बॉक्स है। लेट्स ओपन। ऑलराइट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ओके, फोन राइट अप फ्रंट। ठीक है, फोन को निकालते हैं। ओह माय गॉड, हाथ में लोगे तो पहले अगर आपने ROG Phone 8 देखा हुआ या फिर ROG Phone देखा हुआ है, यू विल नॉट इमेजिन दैट दिस इज ROG Phone। यस, और क्या क्या है बॉक्स में वो देखते हैं। प्रो में आपको कूलर मिलता है। जी हाँ, दिस इज द केस स्टैंड कूलर, मल्टी फंक्शनल कूलर मैं कहूंगा। और हाँ, इट यूजेस द सेम पेल्टियर टेक्नोलॉजी और ज्यादा कूलिंग करता है पहले से। सो या दैट इज देयर। देन यू हैव दिस चार्जर, USB टाइप सी चार्जर है। 65 वॉट चार्जिंग देता है, सो 65 वॉट चार्जिंग ब्रिक है। एंड USB टाइप सी टू टाइप सी केबल। और भी कुछ है इसमें। राइट बिलो ये आती है केस। केस भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है ROG Phone की। ये कितनी इंटरेस्टिंग है वो देखते हैं। लेट्स सी। यस, सेम लाइक लास्ट टाइम। ऐसे और भी एक्सेसरीज है, मैं दिखाने वाला हूँ आपको, बट दिस इज द केस। ये जो डायमंड कट केस आती है वैसे ही कुछ है। और इससे आपको पता चलेगा कि फोन फ्लैट साइड्स के साथ आता है और थोड़ा अलग है। सो इसके बारे में बात करेंगे, ये डाल के दिखाएंगे। और क्या है बॉक्स में? और कुछ नहीं है। लेट्स कीप दिस असाइड। हाँ, एंड दैट ROG पावर्ड ROG लुक वाला सिम कार्ड टूल। लेट्स कीप दिस असाइड। ऑलराइट, चलिए फोन के पास देखते हैं। लुक एट दिस, कैन यू बिलीव दिस इज अ ROG Phone? जी हाँ, ये ROG Phone है। जो लुक है कम्प्लीटली चेंज हो गया है। साइज इन हैंड फील जो है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। फ्लैट साइड्स है दोस्तों, और अगर आप इसका फॉर्म फैक्टर देखोगे, इट इज बिकम स्मॉल। जी हाँ, पहले बहुत लंबा बड़ा हैवी फोन लगता था, मतलब नोटिसेबली छोटा हो गया है। ऑल्दो डिस्प्ले साइज वगैरह इट रिमेन्स द सेम। और हाँ, पीछे की तरफ एनिमे मैट्रिक्स जो है वो आता है। आई एम गोइंग टू शो, बट आपको फोन स्टार्ट करना होगा। बट दोस्तों, दिस फील्स गुड। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहता हूँ। यू नो, वी आर इन 2024 और अभी भी ब्रांड्स ऐसे कर रहे हैं। हमें बताया गया कि भाई एम्बार्गो पे आप सिर्फ अनबॉक्सिंग कर सकते हो, कोई भी बेंचमार्क परफॉर्मेंस के जो नंबर्स वगैरह होते हैं वो आप बता नहीं सकते हो, बेंचमार्क्स नहीं दिखा सकते हो। आई मीन दैट इज बैड। वो 16 तारीख को है, 9 तारीख को अनबॉक्सिंग है। सो Asus, आई थिंक यू शुड लिसन टू दिस। एक ही रखिए, पूरा अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशन, सब कुछ हमें बताने दीजिए। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि डिटेल हमारे जो बेंचमार्क, ट्रस्ट मी, लास्ट 5-6 डेज हमने कंटिन्यूअसली टेस्ट किया, बहुत सारे बेंचमार्क रन किए। अनफॉर्चुनेटली दिखा नहीं सकते, बट हमारे सोशल मीडिया हैंडल जरूर फॉलो कीजिएगा, उधर सब बेंचमार्क्स डालने वाले हैं। ट्रैकिंग टेक सब जगह पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एवरीवेयर। वैसे दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। यू नो, देर आर सो मेनी पीपल, इतने सारे लोग आते हैं, हमारे अनबॉक्सिंग अच्छी भी लगती है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑलराइट, कमिंग बैक टू द फोन, आगे की तरफ गोरिल्ला ग्लास विक्टिस 2 का प्रोटेक्शन है, पीछे भी है। एंड पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करेंगे, और बहुत सारे पोर्ट्स एंड बटन्स है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन गिराना तो जरूर है भाई। लेट्स डू दिस। 1, 2 एंड बूम। 1, 2 एंड 3। All right. No, I don't think कुछ नहीं होगा, obviously, and कुछ नहीं हुआ है दोस्तों, absolutely nothing. आगे बढ़ने से मैं और एक चीज बता दूं, price और भी बढ़ गई है। जो ये pro variant है ना दोस्तों, it is going to be around 1 lakh rupees. 1 lakh रुपए होने वाली है इसकी price. Yes. ऐसे केस कैसे है वो देखते हैं। I've not seen that. Animatrics जो आपको दिखता है इधर दिखता है, and that's why ये back जो है वो open रखी हुई है। Looks beautiful though. Definitely looks beautiful. There's no question about that. इसमें दो कलर आते हैं, ब्लैक है एंड व्हाइट है। Alright, let's look at ports and buttons. जी हाँ, USB Type-C side को है इधर, then SIM card tray, speaker grill, 3.5mm jack. On the right hand side आपको दो तरफ ये trigger buttons मिलते हैं। Yes, they are still there. Then you have microphone, one more microphone. फिर on off button है, volume rocker है, ऊपर की तरफ noise cancelling नहीं है, side में noise cancelling है तो ऊपर की तरफ नहीं है। And on the left hand side again you have another USB Type-C port. और जो ये main USB Type-C port है, that is USB 3.2 Gen 1, yes. वैसे दोस्तों, हमने हमेशा टेस्ट किया हुआ है, दो पोर्ट्स होते हैं, सेल्फ चार्ज करता है क्या, दोनों तरफ से हम देखेंगे, वो एक टेस्ट हम करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल है दोस्तों, अगर इस फॉर्म फैक्टर में 3.5mm जैक आ सकता है, तो ये जो फ्लैगशिप ब्रांड्स हैं, जो फ्लैगशिप फोन्स लाते हैं, वो क्यों नहीं अकोमोडेट कर सकते हैं? दीज गाइज हैव डन वेल, 3.5mm जैक शुड बी देयर इवन ऑन फ्लैगशिप्स। वेट, लेट्स डू द वेट। 215 ग्राम के करीब है। जनरली जो ROG Phone है वो 230 ग्राम के ऊपर जाते हैं, बट आई थिंक दिस इज मच लेसर, एटलीस्ट
10 to 215 grams तक लग रहा है. Let's see. Wow. 227 grams still. हाँ, glass back है, metal frame है, वो सब कुछ है, but again on the heavier side for sure. Time to start the phone. Yes. मुझे देखने हैं bezels, क्योंकि ROG phone में bezels बहुत होते हैं ऊपर और नीचे, and because gaming है तो bezels की जरूरत पड़ती है, तो उन्होंने रखे हुए थे, but इसमें bezels नहीं. Oh, look at that display. Bezels देखिए दोस्तों. I mean ROG phone लगता है कि this looks like a modern flagship phone. जी, flat size है, बहुत ही पतले bezels है. 94% के ऊपर screen to body ratio है. पीछे की तरफ भी ये देखिए animatrics जो मैं कह रहा था, you can see it here. 13:13 हुए. जी, चार्जिंग के समय 94% दिखा रहा है. So अलग अलग चीजें ये दिखाता है इधर. So that is nice. जब आप चार्जिंग को कर रहे हो तो बैटरी परसेंटेज वगैरह दिखाता है. अभी टाइम दिखा रहा है, ये देखिए 13:13 एंड 46% बैटरी. 46% ऐसे. सो पंचोल जो है बहुत पतला है. अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं, इट रिमेन्स द सेम, बट फॉर्म फैक्टर बहुत छोटा हो गया. 6.78 इंच का फुल एच डी प्लस डिस्प्ले है. यू नो, आई थिंक इट शुड हैव बीन अ 2K डिस्प्ले, बट फुल एच डी प्लस डिस्प्ले है. बट LTPO है, तो आपको डायनामिक रिफ्रेश रेट फ्रॉम 1 Hz टू 120 Hz डायनामिक रिफ्रेश रेट मिलता है. लेकिन डिस्प्ले जो है स्पेशली गेमिंग के समय 165 Hz तक फास्ट रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. सो That is great. Brightness के बारे में बात करूं दोस्तों, 2500 nits peak brightness है. लेकिन generally sunlight में वगैरह use करोगे तो 1600 nits इसका जो maximum brightness होता है generally. HDR 10 Plus का सपोर्ट है डिस्प्ले में, बट Netflix में HDR नहीं देख सकते हो. Now that is interesting. Let's talk about specifications. Yeah, latest and greatest 8 Gen 3 पे obviously आता है दोस्तों. इसमें जो बेस वेरिएंट है दोस्तों, that is 12 GB RAM, 256 GB storage. लेकिन सबसे टॉप वेरिएंट जो है, that is 24 GB RAM and 1 TB storage है. Yes, LPDDR5X RAM type आती है, UFS 4.0 storage type आता है. So specifications के मामले में राइट अप दैट. ऐसे बैटरी कम हो गई है एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन, बट फिर भी इट इज 5500 मिली एम्पीयर की बैटरी. जनरली 6000 होती थी, 5500 हो गई है. 65 W चार्जिंग है, 15 W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट आता है. वैसे दोस्तों, जो अवतार चेंज किया है ROG फोन ने, वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको. ये जो है, ये पिछले साल का अल्टीमेट ROG फोन 7 अल्टीमेट था. लुक एट दिस एंड लुक एट दिस फोन. साइज देखिए कितना छोटा हो गया. ये देखिए इतना विड्थ में भी थोड़ा कम हो गया, थिकनेस में भी कम हो गया. ये 8-9 mm थी, नहीं ये नियरली 10 mm हुआ करता था. वेट के मामले में बात करूं, वेट में भी चेंज आया हुआ है. दैट इज आल्सो आई एम गोइंग टू शो यू. ये जो है कुछ 240, या आई थिंक अराउंड दैट 246 grams, 246.7 था. ये जो है 227, सो नियरली 20 grams से कम हो गया है. सो यस, दे हैव रिड्यूस द वेट एज वेल. लेकिन उतना ही चेंज नहीं है. लुक एट द बेजल्स. बेजल्स अगर आप देखोगे, कितने ज्यादा बेजल्स है. एंड लुक एट दिस फोन. दिस लुक्स लाइक अ मॉडर्न नॉर्मल फ्लैगशिप फोन. ये जो है गेमिंग फोन दिखता जरूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हाँ, बेजल्स, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू. अब स्पेसिफिकेशंस तो बता दिए दोस्तों, बट आई कैन नॉट टेल यू द अंतुतु स्कोर. बट इतना मैं कह सकता हूं कि हाईएस्ट अंतुतु स्कोर वाला फोन है. परफॉर्मेंस भी, जी हाँ, मैं इतना ही कह सकता हूँ, जबरदस्त गेमिंग परफॉर्मेंस है. कितने FPS, कितने बाकी डिटेल्स में मैं जा नहीं सकता हूँ एम्बार्गो की वजह से. आई हेट दिस. चलिए UI के बारे में बात करते हैं. Android 14 है, उसके ऊपर ROG UI आता है. क्लीन है दोस्तों. जनरली 45 apps जनरली मिलते हैं. इसमें 32 प्री इंस्टॉल्ड एप्स है. मैं ब्लोटवेयर के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ. हार्डली 3-4 ब्लोटवेयर होंगे. ब्लोटवेयर से भी ज्यादा थर्ड पार्टी एप्स, फेसबुक वगैरह जैसे होते हैं, स्पॉटीफाई वगैरह होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम मैसेंजर, फोन लिंक, ऐसे कुछ कुछ एप्स है. बट आई एम कम्प्लीटली फाइन. क्लीन UI है. फीचर्स के बारे में बात करूं तो यस, आर्मरी क्रेट आता है और उसके अंदर आप ये जो एनिमेट्रिक्स है उधर चेंज कर पाओगे. बाकी सब चीजें जो करनी है गेमिंग में, आपको बहुत सारी चीजें जो करनी है वो आर्मरी क्रेट में कर पाओगे. अगेन डिटेल्स आई कैन नॉट टेल यू मच. वैसे दोस्तों एक चीज जरूर, 1 lakh का फोन ले रहे हो तो आप कम से कम 3-4 साल एक्सपेक्ट करते हो कि यूज करने वाले हो और अपडेट्स होने चाहिए. बाकी के ब्रांड्स दे रहे हैं, बट Asus ने कहा है कि हम 2 साल के मेजर अपडेट्स एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट. एटलीस्ट 3+4 होना चाहिए था मेरे हिसाब से. वैसे आर्मरी क्रेट में दोस्तों 2-3 फीचर्स है. एक्स मोड आता है तो परफॉर्मेंस में डालना है. फुल परफॉर्मेंस चाहिए आपको, आप कर सकते हो. एंड फुल परफॉर्मेंस में डालोगे तो ऑब्वियसली थर्मल जो है थोड़ा हीट वगैरह होने वाला है. उसके लिए ये जो पेल्टियर स्टैंड वगैरह है वो आप कर सकते हो. ये भी जो है इसका जो कूलिंग इफेक्ट है वो ज्यादा बढ़ गया. 2.6x से जो एरिया है वो बढ़ गया. सो इट कूल्स मच फास्टर. और एक बात बता दूं दोस्तों, इसकी जो बैटरी है, ड्यूअल बैटरीज है, ऊपर और नीचे बैटरी है, बीच में सब चिपसेट है. तो अगर इधर गर्म होता है, यू नो, दिस रियली कूल्स वेरी वेरी वेल. और हीट डिसिपेशन जो है दोस्तों, एक तो इससे कर सकते हो एंड देन साइड से भी हीट डिसिपेशन होता है. सो थर्मल्स के मामले गर्म होता है, बट यू कैन कीप इट अंडर चेक. 2-3 चीजें लेकिन मैं कहना चाहूंगा, AI फीचर्स अब आ गए हैं और गेमिंग में वो मदद करते हैं. जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ फूल वगैरह उठाने, फ्रूट्स वगैरह उठाने,
हैं तो ऑटोमेटिकली AI गेम खेलते समय वो कर देगा, या फिर एम्यूनिशन आपको उठाना है वो कर देगा। कहीं पे आप सिर्फ चल रहे हो, अगर उसको पता है ऑटोमेटिकली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इट विल टेक यू ऑन इट्स ओन। तो बहुत सारे ऐसे AI के फीचर्स आ गए गेमिंग में जो आपको हेल्प करेंगे। ऑलराइट, एक टेस्ट जो करनी है कि भाई सेल्फ चार्ज होता है या नहीं। 1 USB Type-C गोज हियर एंड 1 USB Type-C गोज हियर। क्या लगता है आपको, होगा? पॉज कीजिए, बताइए कमेंट में एंड लेट्स सी। ओह, देयर इट गोज, चार्जिंग हो रहा है, सो सेल्फ चार्ज करता है, इधर से इस बैटरी से उस बैटरी में, उस बैटरी से इस बैटरी में। That is there. All right, multimedia, stereo speakers आते हैं दोस्तों, excellent. जैसे लेकिन मैंने कहा आपको, ये डिस्प्ले है जबरदस्त है, वॉल्यूम में ऑडियो सुनाता हूँ। एक वक्त की बात है, मैं कुछ नहीं था, जिस दौर से तुम गुजरे मैं भी वही था, कॉलेज के बाद नौकरी कहता सब सही था, विदेश में मैं गुम कहीं पर मन यही था, स्टार्टेड रैकेट टेक लिया मैंने ब्लॉगिंग का सहारा, शब्द दोस्त। मैं अगर क्वालिटी के बारे में बात करूं तो डिसेंट क्वालिटी है, लाउडनेस भी डिसेंट है एंड एक्सेलेंट डिस्प्ले है, डिस्प्ले जबरदस्त है, नो क्वेश्चन। मल्टीमीडिया में आपको मजा आएगा एंड अब इमर्सिव डिस्प्ले हो गया, ज्यादा बेजल्स वगैरह नहीं है, सो इट लुक्स गुड। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, इसके पहले भी मल्टीमीडिया के लिए ROG फोन बहुत अच्छे हुआ करते थे क्योंकि फ्रंट फायरिंग स्पीकर थे। अब क्या हो गया, ये बॉटम फायरिंग स्पीकर है एंड देन यू हैव वन इन द माइक्रोफोन, जो ठीक ठाक है मैं कहूंगा, बट हाँ ओवरऑल डिसेंट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस। सेंसर दोस्तों सभी आते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, इवन ये जो सेंसर्स हैं वो भी है इधर, राइट हियर, ट्रिगर्स, यू कैन प्ले दैट, दोज आर देयर। और वो मल्टी फंक्शनल ट्रिगर्स है, मतलब आपको स्क्रीनशॉट वगैरह निकालना है, ये सब जो फंक्शंस है वो आप इसे असाइन कर पाओगे। वैसे IP68 का सर्टिफिकेशन आता है फॉर अ गेमिंग फोन विद 2 USB Type-C पोर्ट्स और इतने सारे पोर्ट्स, थोड़ा मुश्किल होता है, बट हम IP68 टेस्ट करने वाले हैं आपके सामने। उसके पहले बात करते हैं कैमरा के बारे में। अब कैमरा व्हेन इट कम्स टू हार्डवेयर डेफिनेटली अपग्रेड हो गया है। यस, सोनी IMX890 सेंसर आ गया है, 13 MP का अल्ट्रा वाइड है, 32 MP का टेलीफोटो है जो आपको 3x जूम देता है, आगे 32 MP का सेल्फी है। अब अगर मैं ROG फोन के बारे में बात करूं, इट वाज आउट एंड आउट गेमिंग फोन, कैमरा के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, एंड एवरेज कैमरा हुआ करते थे। दे हैव ट्राइड टू इंप्रूव इट, हार्डवेयर इंप्रूव हो गया, कैमरा परफॉर्मेंस भी कहूंगा स्लाइटली इंप्रूव हुआ है, बट स्टिल 1,00,000 रुपए जब दे रहे हो आपको एक सीरियसली अच्छा कैमरा चाहिए। वीडियोग्राफी में 8K करता है, 4K 60 FPS आप सभी सेंसर से शूट कर पाओगे, बट क्वालिटी के मामले में कहूं तो यू नो इफ यू वांट अ कैमरा फोन दिस वन इज नॉट फॉर यू। कैमरा इंप्रूव जरूर हुआ है बट नॉट बाय दैट मच। वैसे दोस्तों मुझे पता नहीं है, मैं कैमरा के रिजल्ट दिखाने वाला हूं, बट एम्बार्गोस कैसे हैं, यू नो समटाइम्स देयर वेरी, बाद में वीडियो लाइव करने के बाद कहेंगे कि नहीं नहीं निकाल दो, सो हम बता रहे हैं आपको, लेट्स सी। ऑलराइट, आईपी टेस्ट करते हैं और उसके लिए वी हैव गॉट दिस, लेट्स डू दिस, स्टार्ट करते हैं, एक वीडियो चालू करते हैं। वाओ, आवाज भी आ रहा है दोस्तों, मतलब थोड़ा ऐसा कम हो गया है, बट स्टिल इट्स प्लेइंग वेल, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, IP68 सर्टिफिकेशन है, सो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। सो यू कैन सी कि इधर स्पीकर्स है, वो पानी कैसे फेंक रहा है, फिर से एक बार, जस्ट हैविंग फन। ऑलराइट, फोन का तो कुछ नहीं हुआ है, Absolutely, IP68 works very well. All right, let's talk about connectivity. Connectivity में Wi-Fi 7 का support है, 5G सभी 12-15 bands है दोस्तों, सब bands का support है. Absolutely no problem, 12.4G VoLTE Wi-Fi calling का support है. वैसे मैंने SIM card tray नहीं देखा है, let's see the SIM card tray, भूल गए हैं वो. Let's do this right now. All right, dual nano SIM card slot आता है, there is no, absolutely no SD card. Slot. और फीचर्स के बारे में बात करूं, अगेन गेमिंग सेंट्रिक कुछ है, जैसे फुल एचडी में 120 FPS आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाओगे, स्पेशली स्ट्रीमर्स को ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट इज देयर। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, FM रेडियो नहीं है, SAR वैल्यूज आर विद इन लिमिट्स, और हाँ कैमरा 2 API का सपोर्ट है, यू नो इफ यू वॉन्ट बेटर कैमरा परफॉर्मेंस तो GCam वगैरह आप इंस्टॉल कीजिए, यू माइट गेट बेटर रिजल्ट्स विद इट। सो यस, 2024 का ROG Phone 8 Pro कैसा है? जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था दोस्तों, कुछ चीजें सही में अच्छी है, आई लाइक द फॉर्म फैक्टर, डिजाइन दिखने को अब सीरियसली अच्छा हो गया और फ्लैगशिप फोन जैसा दिखता है, बट एट द सेम टाइम इसकी प्राइस बढ़ गई है। कैमरा में इंप्रूवमेंट आ गया है, बट और ज्यादा इंप्रूवमेंट होना चाहिए था। याद रखिए दोस्तों, 8th Gen 3 के बहुत सारे फ्लैगशिप 50-60-70 हज़ार में मिल रहे हैं एंड गेमिंग भी आप उसके ऊपर कर पाओगे। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा गेमिंग फीचर्स हैं इसके ऊपर, बट Is it worth that 30-40,000 rupee extra?
आई एम नॉट श्योर. वैसे शायद हम वीडियो करने वाले हैं दोस्तों, बेंचमार्क सब डिटेल रिव्यू वगैरह, सो उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए. जैसे मैंने कहा, I have mixed feelings about ROG Phone 8 Pro. Yes, that's my bottom line. आपको क्या लगता है ROG Phone 8 Pro के बारे में, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और कुछ होगा, do tell me in comment section. चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो तक keep tracking and stay safe.